हेलो दोस्तों, वेलकम टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं तुम्हें फ्लिपकार्ट से रिचार्ज कैसे करते हैं इस बारे में बताऊंगा, और फ्लिपकार्ट से रिचार्ज करने पर तुम सुपर कॉइन भी यूज कर सकते हो। फ्लिपकार्ट के होम पेज पे तुम्हें मोबाइल रिचार्ज का ऑप्शन मिल जाएगा, तुम वहाँ पे टैप करोगे। यहाँ पे टैप करने के बाद तुम्हारे सामने नेक्स्ट पेज आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे तुम अपना नंबर टाइप करोगे, तो यहाँ पे देखो हमारे सामने नेक्स्ट पेज आ गया। यहाँ पे सर्च बार में तुम अपना नंबर टाइप कर सकते हो, या यहाँ कॉन्टेक्ट से भी तुम अपना नंबर इम्पोर्ट कर सकते हो। तो चलो हम यहाँ पे नंबर अपना टाइप कर लेते हैं। नंबर टाइप करने के लिए यहाँ पे तुम क्लिक करो, फिर उसके बाद अपना नंबर यहाँ पे टाइप कर दो। चलो हम यहाँ पे अपना नंबर टाइप कर लेते हैं फटाफट। तो देखो यहाँ पे मैं अपना नंबर टाइप कर रहा हूँ, सेम ऐसा ही तुमको भी अपना नंबर टाइप कर लेना है। देन फिर नीचे तुम्हारा नंबर पूरा दिखेगा, एक बार चेक कर लेना एंड उस पर टैप कर देना। टैप करने के बाद तुम्हारे सामने नेक्स्ट पे जाएगा, यहाँ पे तुम्हें दिख जाएगा तुम्हारा नंबर एयरटेल है या जियो है। तो मेरा नंबर यहाँ जियो का है, तो जियो का सारा रिचार्ज यहाँ नीचे शो हो जाएगा। लेकिन तुम यहाँ पर अपना रिचार्ज जितने का करना है उतना अमाउंट डाल के भी सर्च कर सकते हो। तो यहाँ मुझे 149 का रिचार्ज करना है, तो मैंने यहाँ पे 149 लिख के सर्च कर दिया। तो सामने तुम देख सकते हो 149 का रिचार्ज शो हो रहा है, लेकिन मुझे 139 ही पे करना पड़ेगा, क्योंकि 10 सुपर कॉइन मैं इसमें यूज कर रहा हूँ। सुपर कॉइन यूज करने के लिए मैं यहाँ चेकबॉक्स में टिक कर दूंगा। पेमेंट के लिए तुम यहाँ पे गूगल पे या पेटीएम यूज कर सकते हो, या मोर पेमेंट पे क्लिक करोगे तो तुम्हें दूसरे ऑप्शन भी मिल जाएंगे। मोर पेमेंट ऑप्शन पे तुम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और पेटीएम वॉलेट वगैरह से भी पेमेंट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पेटीएम यूपीआई यूज करने वाला हूँ, तो उस पर टिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा एंड देन मैं यूपीआई से इसका पेमेंट कर दूँगा। यूपीआई से पेमेंट करने के बाद हमारा रिचार्ज हो जाएगा। तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद तुम यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा रिचार्ज कम्प्लीट हो चुका है। तो दोस्तों सेम स्टेप फॉलो करके तुम भी रिचार्ज कर सकते हो। यहाँ पे रिचार्ज करने में तुम अपना सुपर कॉइन भी यूज कर सकते हो, और साथ ही तुम्हें कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होता है। जैसा कि पेटीएम और फ़ोनपे पे तो अगर तुम रिचार्ज करते हो तो वहाँ पे प्लेटफॉर्म फीस के नाम पे तुमसे एक्स्ट्रा पैसे चार्ज किए जाते हैं। तो तुम रिचार्ज करने के लिए फ्लिपकार्ट का भी यूज कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तुमको वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में। बाय।